अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ना बाकी है, है? जिसको हम गिन ही नहीं सकते, सिर्फ मापा जा सकता है। तो ऑल मटेरियल नाउन्स, कौन सी नाउन्स? ऑल मटेरियल नाउन्स, सभी मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स यानी कि जैसे कौन कौन सी बताई थी हमने, और भाववाचक संज्ञा बताई थी हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। शुक्र हाँ। हो सकते काउंट नहीं, मापा जा सकता है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, पर काउंट किया जा सकता नहीं है। हैप्पीनेस कितना खुश है कोई काउंट कर सकते हो? कितना सैड है कोई, कितना काउंट कर सकते हो? नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, किसी के भावों को गिना नहीं जा सकता, ठीक है, और उसको तो मापा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीजें किसमें आएंगी? अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर में। जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में बात करें तो सारी ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सभी भाववाचक संज्ञा है, वो सब कहती है अनकाउंटेबल है, उनको हम किसी को भी नहीं गिन सकते, किसी को भी नहीं है कोई किसी का जो, ठीक है। दूसरी मटेरियल नाउन्स है, उनको काउंट कर सकते हो? ठीक है, पर ये संज्ञाएं जो होती हैं वो मोस्टली किस पर की जाती है? एक वचन में मानी जाती है, इनके लिए कोई वचन तो है ही नहीं है, क्योंकि एक वचन बहुवचन। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, लॉयल्टी है, बेवरी है, इनके लिए कोई वचन काम करता नहीं है, इसलिए इनको एक सिंगल में ही रखा गया है एक वचन के अंदर। इतना वाटर है, मिल्क है, टी, एयर, सैंड, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह कोई भी सब्जेक्ट होगा देख लो, इनको काउंट नहीं किया सकता। मैथ्स यानी मैथ्स हो गया खत्म, इंग्लिश, एक इंग्लिश, दो इंग्लिश, ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते ना। तो ये सब्जेक्ट भी किसमें आते हैं? आवश्यक नाउन में ही आएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी है, रेडिएशन है, सनशाइन है, सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सूरज की रोशनी को माप बोलो, माप सकते हो क्या? नहीं। खाली टेम्परेचर माप सकते हो, पर काउंट तो उसको भी नहीं कर सकते हो, काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, सिर्फ मापा जा सकता है, जो मापा जा सकता है वो सारी चीज़ें भी क्या होंगी? अनकाउंटेबल, ठीक है। Which cannot be counted in numbers are called uncountable nouns. एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देख लिए, ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, सभी आवश्यक यानी कि भाववाचक संख्याएं और मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक संख्या कैसी है? अनकाउंटेबल यानी कि गिनी ना जा सके ऐसी संख्याएं हैं। अब एग्जांपल की हम बात कर लेते थोड़ा सा। करेज, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो है वो भी काउंट नहीं किया जा सकता। शुगर, स्वीटनेस, गोल्ड एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकते हैं, ये सभी क्या है अपने पास में? अनकाउंटेबल। आ रहा है समझ में? पक्का चल सकते हैं आगे? किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का ठीक है। और लिक्विड्स है,
वो भी इसमें आ जाएंगे, गैसेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और सॉलिड यानी मटेरियल हो गए। पदार्थों में क्या आते हैं भाई, लिक्विड भी आ जाते हैं, गैस भी आ जाती है और सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ भी आ जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर गोल्ड लिखा है, गोल्ड के सिवा तुम लोग जो भी इनके पदार्थों का नाम लिखना चाहोगे वो सारे पदार्थ यहाँ पर शामिल होंगे। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी होते हैं वो आगे इंग्लिश और साइंस, मैंने दो एग्जाम्पल लिए, तुम कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लो, सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा, किसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। ऑल अवेस्टेड कंसेप्ट की मैंने जैसे बात की है, गुडनेस है, मैडनेस है, सैडनेस है, ठीक है, एंगर है, गुस्सा, केयर है, किसी के लिए कौन कितनी केयर करता है वो, तो वो भी किसमें आएगा, क्योंकि माप नहीं सकते ना किसी की केयर को, ठीक है। लव है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, इनको मापा जा सकता नहीं है। डेमोक्रेसी, सिंपैथी यानी किसी के प्रति सहानुभूति हम रखते हैं, तो कितनी सहानुभूति रखते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें कितने आएंगी, लेकिन इनका कल होमवर्क नहीं भेजा था मैंने, सिर्फ आज इनका होमवर्क आएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का एक साथ में आएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का होमवर्क कैसे आएगा, एक साथ में होगा, उसको एक साथ में तुमको अंडरलाइन करना है वर्ड्स को कि भाई ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, जहाँ काउंटेबल नाउन हो उसके नीचे सी लिखना है अंडरलाइन करके, और जहाँ अनकाउंटेबल नाउन हो उसके फॉर्म में क्या लिखना है, यू लिखना है, समझ गए। कितना काम करके लाना पड़ेगा तुमको आज होमवर्क में, 20 सेंटेंस मैं दूंगा, ठीक है, कितने दूंगा, 20 सेंटेंस के अंदर तुमको पहचान करके बताना है कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स है या नहीं, ठीक है। ये अब आगे चले हम काउंटेबल अनकाउंटेबल से, आगे ये रख करते हैं।